ओम भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ गोरखपुर के तत्वावधान में आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों को निःशुल्क औषधीय पौधों को वितरित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि प्राचीन काल से ही जड़ी बूटियों का बहुत योगदान रहा है। कोरोना काल में आम लोगों ने जड़ी बूटियों के महत्व को समझाया और उसका लाभ उठाया है, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, यह कार्यक्रम करना चाहते हैं। वनस्पतियां हैं तो वनस्पतियां समाप्त होंगी तो यह जीवन और धरती पतियों की डंठियां यहाँ पर एकत्र है। इंसुलिन का पौधा है, उसे देखते जाएंगे। नीम है, फिर मीठी नीम है, श्री बोलते हैं, फिर होता है, फिर इसी तरह से आगे बढ़। कोरोना काल में हर एक समय मिला है, दो मिनट इसको समझिए, जानिए आयुर्वेद को। आपके सामने जड़ी बूटियां रखी हुई है। मां सीताराम जायसवाल उपस्थित है। हमारा कार्यक्रम और गरिमामय होता है। परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी जो चरक पद्धति चिकित्सा पद्धति के वाहक है, उनका आज जन्मदिन है। एक संकल्प है हम सभी का कि इस वनस्पतियों से इस धरती माता का श्रृंगार करेंगे और इसी संकल्प लेकर के अभी ये पौधों का विलुप्त होते ही वनस्पतियों का परिचय कराना, पहचान कराना और उपलब्ध जो है उनका वितरित कराना। आदरणीय कोषाध्यक्ष माता तुलसी का एक पौधा, कार्यक्रम का एक पौधे से जो हमारी आने वाले कष्ट और विकार उनको निवारण करने वाली वनस्पतियों का स्वतः ही उत्पादन होने लगता है। यह ऐसी पवित्र भूमि है। जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत में पहले आयुष के द्वारा, यानी मतलब कि जड़ी बूटियों के द्वारा हम इलाज करते थे और पूरी तरह से स्वस्थ रहते थे। पतंजलि पीठ ने, बालकृष्ण जी ने पूरा अध्ययन किया और एक मिशन के रूप में कि वो हमारी जो प्राचीन पद्धति थी जड़ी बूटियों द्वारा हर रोग का इलाज, हर मौसम में इलाज, ये हमारी प्राचीन विधि थी। कालांतर में इसे नष्ट, हमारे विदेशियों ने इसे नष्ट कर दिया। आज उसी को प्रतिष्ठित करने के लिए पतंजलि पीठ के तरफ से ये अभियान चलाया जाता है। ये सभी को जानना होगा कि धरती इन जड़ी बूटियों से ही समृद्ध होती है और हमारी धरती बची रहेगी तो हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारी पुरानी पद्धति रही है कि आयुर्वेद द्वारा भारत के हर नागरिकों का इलाज करना और उससे हमारे भारतवासी, हमारे पूर्वज विरासत के रूप में हमें दे गए थे, लेकिन कालांतर में विदेशियों द्वारा यह हमारी सस्ती और प्रकृति से उत्पन्न जड़ी बूटियों को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया और जिसके कारण अनेकों दवाइयाँ जिसके साइड इफेक्ट होते हैं वो बाजारों में आई और लोग उसके द्वारा अपने इलाज करके एक बीमारी भगा रहे हैं, दूसरी बीमारी पैदा कर रहे हैं। हमारी सरकार जब से आई है आयुष का बढ़ावा देने के लिए योग के साथ साथ जड़ी बूटी वाले पौधों को जो हमारे लिए उपयोगी है उसका संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। प्रकृति में कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जो मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। जरूरत है उसे परखने की, जांचने की और उस पर अमल करने की। ये सरकार भी इस पर काम कर रही है। साथ ही साथ हमने देखा था कि एक जगह न्यूज आया था कि जंगली जानवर जो जंगलों में रहते हैं वो अपना इलाज जड़ी बूटियों द्वारा ही करते हैं। उसको पता लगाने के लिए सरकार ने जगह जगह कमरे
कैमरे लगाए हैं कि कौन सा जानवर किस जड़ी बूटी का उपयोग करता है जो मनुष्य उसको पहचान नहीं पाता, इस पर भी तमाम रिसर्च हमारे देश में चले रहे हैं और भारत के कोने कोने में आयुष विद्यालय बना रहे हैं। प्रकृति प्रदत्त जड़ी बूटियों से दवा बन रही है और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसके द्वारा भारत के नागरिकों को पूर्ण स्वस्थ बनाने का प्रयास चल रहा है। और हमारे पतंजलि पीठ बालकृष्ण जी और उनके सभी पीठ से जुड़े लोग ये काम कर रहे हैं और आज बहुत सारी जड़ी बूटियों के पौधे यहाँ पर रखे हुए हैं जिसका वितरण जड़ी बूटी दिवस के रूप में किया जा रहा है। हमें पीठ के सभी कार्यकर्ताओं को, ब्रजेश त्रिपाठी जी को और जो लोग इससे जुड़े हैं, गोरखपुर के हरि जलान जी को ये भी जुड़े हुए हैं, गीता प्रेस भी जड़ी बूटियों की दवा बना करके बेचता है और अच्छी क्वालिटी की दवा गीता प्रेस द्वारा बनाई जाती है। मैं खुद वहाँ से दवा अपना मंगाता हूँ, अर्जुन की छाल जो हार्ट रोग के लिए बहुत ही उपयोगी है उसका मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि 40 साल के बाद अर्जुन छाल का उपयोग करके हृदय रोग से पूर्णतः स्वस्थ हुआ जा सकता है और इसका उपयोग करना चाहिए। ये आर्जुन द्वारा प्रमाणित है। हमारे गीता प्रेस के ट्रस्टी यहाँ पर हरि जलान जी भी उपस्थित है, ये भी आगे आप लोगों से बात करेंगे। मैं सभी को गोरखपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं।